इफकोमा के बैनर तले सिकंदरा के मधु रिसोर्ट में दो दिवसीय छोटे कागरा प्रदर्शनी शुरू हो गई। प्रदर्शनी में देश भर से फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स भागीदारी कर रहे हैं। इफकोमा के बैनर तले सिकंदरा के मधु रिसोर्ट में दो दिवसीय शू टेक आगरा प्रदर्शनी शुरू हो गई। प्रदर्शनी में देश भर से फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स भागीदारी कर रहे हैं। शू टेक आगरा के उद्घाटन सत्र में शामिल एफमेक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने कहा कि शू इंडस्ट्रीज के लिए इस तरह के फेयर और एग्जीबिशन काफी लाभप्रद है। चीन के बाद अब भारत शू का ग्लोबल हब बनने की तरफ अग्रसर है। ये दो दिवसीय शू टेक 2023 का आठवां एडिशन है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, बाद में बीच में ये डिसकंटिन्यू हो गया था। आठवें पिछले साल भी संस्करण शुरू हुआ। इफकोमा इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है, जो नेशन वाइड जो कंपोनेंट्स बनाते हैं उनकी संस्था है, और इस प्रदर्शनी में जो दो दिवसीय प्रदर्शनी है इसमें 70 कंपनियाँ भाग ले रही हैं, 80 स्टॉल्स लगे हैं। जूते में कम से कम 50 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो जूते में लगते हैं, एम्ब्लेसमेंट से लेके लेस से लेके सोल से लेकर के लाइनिंग्स हैं, इंटरलाइनिंग्स हैं, अपर है, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें लगते हैं। कंपोनेंट्स पर सेल्फ रिलायंट कैसे हो, ये सिर्फ प्रदर्शनी नहीं है, जो वर्कशॉप भी है, अभी भी वर्कशॉप चल रहा है। शू टेक आगरा प्रदर्शनी उद्घाटन सत्र के दौरान इफकोमा से जुड़े लोगों ने शू इंडस्ट्रीज में विश्व भर में नाम रोशन कर रहे ताजनगरी के शू उद्यमियों का गर्मजोशी से स्वागत। प्रदर्शनी में मौजूद शू एक्सपोर्टर्स नजीर अहमद और कुलदीप सिंह ने भी इफकोमा के इस कार्यक्रम की सराहना की। देखिए, इफकोमा जो है वो फुटवेयर कंपोनेंट बनाता है और ये उनका आठवां एडिशन यहाँ पे है, फेयर लगा हुआ है। ये जो हमारी सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, चूँकि हम लोग जूते से इन्वॉल्व है, ये हमारी सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जब ये डिस्प्ले करते हैं तो हम लोग भी अपने आप को एजुकेट करते हैं कि क्या नई चीज़ मार्केट में आई है, क्या नया डेवलपमेंट हुआ है और क्या चीज़ इंटरनेशनल मार्केट को ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टीम वर्क की तरह काम करता है। अगर इफकोमा अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारी शू इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा। मैं तो बोलूँगा कि किसी भी, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि किसी भी अच्छी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मान लेता हूँ ये माइक बनाया हुआ है, अगर ये माइक में एक अच्छा कंपोनेंट लगा हुआ होगा और अच्छा हमारे देश से बना हुआ होगा तो डेफिनेटली कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे और आपका माइक ज़्यादा बिकेगा। द सेम इज़ विद द शू, सेम इज़ विद एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। अगर इस तरीके के जो फेयर्स हैं, ये हमको नई नई चीज़ें, ऑल ओवर इंडिया से कम 80-85 एग्जिबिटर्स यहाँ आए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स लेके, नई टेक्निक्स लेके, तो हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं मानता हूँ आगरा के सारे फैक्ट्रीज़ को, सबको जो यहाँ आएंगी, वो यहाँ से कुछ ना कुछ एक एड ऑन चीज़ें या एड ऑन फैसिलिटी अपनी फैक्ट्री के लिए लेके जाएंगी। शू टेक आगरा प्रदर्शनी में एग्जीबिशन हॉल में देश भर से आए शू कंपोनेंट्स निर्माणकर्ता कंपनियों से जुड़े लोगों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।